विज्ञान भवन में 27 मई 2022 को एक भव्य अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की अध्यक्षता की और वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और जीवन रक्षा पदक श्रृंखला से सम्मानित 104 आरपीएफ कर्मियों का सम्मान किया। समारोह में कई विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित थे, जिसमें श्री वीके त्रिपाठी अध्यक्ष और सीईओ रेलवे बोर्ड, श्री राजेंद्र खन्ना उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत सरकार और श्री राकेश अस्थाना पुलिस आयुक्त दिल्ली शामिल थे। समारोह में एक मार्मिक क्षण भी आया जब स्वर्गीय श्री जगबीर सिंह की पत्नी श्रीमती सुनीता देवी माननीय मंत्री से सम्मान प्राप्त करने के लिए मंच तक गईं। उनके पति स्वर्गीय श्री जगबीर सिंह ने आदर्श नगर आजादपुर रेलखंड दिल्ली के बीच रेलवे ट्रैक पर चार बच्चों की अनमोल जान बचाते हुए ड्यूटी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। बेजोड़ वीरता का परिचय देते हुए उन्होंने अपने कर्तव्य से भी आगे बढ़कर अपनी जान की परवाह किए बगैर इन बच्चों की जान बचाई। उनके बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत वीरता का राष्ट्रपति पुलिस पदक और जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। समारोह के दौरान माननीय मंत्री ने आरपीएफ जनरल, आरपीएफ प्रशिक्षण नियमावली और आरपीएफ ड्रिल मैनुअल का विमोचन किया। सीसीटीवी सिस्टम के माध्यम से देश भर में निगरानी, विश्लेषण और पर्यवेक्षण के लिए सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जो डीजीआरपीएफ के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत केंद्रीय रूप से कार्य करेगी। छवि सुधारने और सॉफ्ट स्किल्स को विकसित करने के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप सीआरआईएस द्वारा विकसित एक समर्पित आरपीएफ वेबसाइट का उद्घाटन किया गया। मेरी सहेली अकेले यात्रा करने वाले महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ की एक पहल है। मेरी सहेली मॉड्यूल सीआरआईएस के सहयोग से विकसित और जिसका माननीय मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। माननीय मंत्री ने संकेत दिया कि निर्धारित पूंजी निवेश के प्रावधान से आरपीएफ में एक बेहद अहम परिवर्तन आएगा। प्रोजेक्ट की योजना में सुरक्षा की योजना को अभिन्न अंग बनाया जाएगा। गति शक्ति निदेशालय में आरपीएफ अधिकारियों का भी प्रतिनिधित्व होगा। माननीय मंत्री ने जगाधरी हरियाणा में आरपीएफ कमांडो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए 30 करोड़ रुपए की मंजूरी की भी घोषणा की। खबर सबकी, सीधे आप तक।